नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र शर्मा और प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है और खुद उनके परम भक्त हनुमान जी भी, बजरंग बली जी भी इंतजार कर रहे हैं। आपने वो लाइनें सुनी होंगी कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी से सीधी तस्वीर है, विशेष तौर पर हनुमानगढ़ी को तैयार किया गया है। बजरंग बली भी इंतजार कर रहे हैं हनुमान जी का, भक्त नारे लगा रहे भक्त भी देखिए पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम हनुमानगढ़ी से सीधे हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं कि दर्शन कीजिए। और क्योंकि जो भी प्रभु राम लला के दर्शन करने अयोध्या आता है वो सबसे पहले यहाँ पर अपना शीश नवाता है, हनुमान जी के दर्शन करता है और उसके बाद आगे चंद कदमों की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि है और वहाँ पर वो जाता है। आप देखिए पूरे मंदिर को विशेष तौर पर फूलों से सजाया गया है, यानी कि कोई भी ऐसा कोना नहीं है मंदिर का जो छोड़ा गया हो। विशेष तौर पर हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं प्रभु राम लला के आगमन का। क्या प्रभु राम लला के आगमन पर जनता इतना हर्षोल्लासित है कि जैसे राम के आने पर अयोध्या के समग्र लोगों ने अपने दीप जला करके पूरी अयोध्या को जगमगाया था, उससे ज्यादा योगी के राज में पूरी अयोध्या सजी हुई है। सड़कों के ऊपर जनता का उमड़ाव इस तरह से लगता है कोई संगम का मेला आ गया हो। और यही इसी तरह की तस्वीरें हनुमान मंदिर में दिखाई दे रही है, क्योंकि विशेष तौर पर तैयार किया गया, दीपावली मनाई जाएगी आज पूरे देश भर में और देश ही नहीं विदेशों में। इसी तरह का नजारा पूरे अयोध्या में हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर हर चौक पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया आपको हर पल की खबर दिखा रहा है कि किस तरह से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं लिए चलता हूँ अपने सहयोगी अरुण सिंह के पास कि वो आपको वहाँ जहाँ पर मौजूद है वहाँ का नजारा दिखाएंगे। अरुण सिंह, तो मैं इस वक्त रामपथ पर हूँ, जो रास्ता प्रभु श्री राम के मंदिर में जहाँ आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहाँ की तरफ जाता है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर राम आएंगे। अब तो राम आ चुके, कुछ ही क्षण बचा है, लेकिन ये डांस देखिए किस तरह से जो लोक कलाकार हैं वो अपनी धुन में मगन हैं, अपनी धुन में मस्त हैं। प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत करने के लिए हर कोई अपने तरीके से योगदान कर रहा है। उल्लास में, खुशी में, प्रतीक्षा थी वर्षों की, सदियों की, वो प्रतीक्षा जब पूरी होती है तो कुछ इस तरह से उल्लास और हर्ष दिखाई देता है। ये राम पथ की सड़कों पर, भक्ति पथ की सड़कों पर, धर्म मार्ग पर जहां भी आप जाएंगे देखिए इसी तरह से जो कलाकार हैं वो राम की धुन में रमे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये रामचंद्र जी की जय के नारों के साथ ये प्रस्तुतियां, जरा देखिए ये धर्म पथ पर, देखिए जो लोग देखने आए वो भी जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, आई एम कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से? तो क्या देखा आपने आज यहाँ? यहाँ संस्कृति है, हमारी प्राचीन संस्कृति की जान पहचान हो रही है और सभी श्रद्धालु जन से निवेदन है कि वो भारी से भारी संख्या में आए और यहाँ दर्शन करें प्रभु श्री राम। आप लोगों ने क्या देखा? हाँ, हम उत्तराखंड से आए हुए हैं, रानीखेत से। आज हमने देखा कि भव्य, इतना आनंदित हम लोग आज हो गए हैं, शायद प्रभु राम आज शायद साक्षात हमारे सामने आ गए। जय जय श्री राम। क्या क्या आज उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे आज? हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी के जाने के बाद अगर हमें क्या कहते हैं आप दर्शन करने के मौका मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, आभारी रहेंगे। अच्छा, देखिए ये सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं प्रभु श्री राम की, जो नई उनका जो नया विग्रह जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आज हो जाएगी और साथ ही साथ जो पुरानी मूर्तियां हैं वो भी उसी स्थान पर पहुंच गई हैं, तो आज एक तरह से दर्शन का डबल लाभ मिलने वाला है। लेकिन विशेष अतिथियों को लेकर जो खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को दे दें। अरुण, मैं लौटूंगी आपके पास में, तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद में मैं अपनी तस्वीरें दिखाती हूँ। वो तीन तस्वीरें जिसमें विशेष अतिथि पहुंच चुके हैं रैपिड एक्शन फोर्स, और ये देखिए यहाँ पर अब जो है तैनाती बढ़ा दी गई है क्योंकि आने वाले हैं विशेष अतिथि। अब कौन से विशेष अतिथि पहले आएंगे ये देखना होगा, लेकिन तीन अतिथि निकल चुके हैं, अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, ये सभी निकल चुके हैं। जो खबर हमारे पास आई है अमिताभ बच्चन बिग बी यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से साउथ स्टार बहुत बड़े फिल्म एक्टर जो है चिरंजीवी, वो भी यहाँ पर आने के लिए पहुंच चुके हैं, निकल चुके हैं, और अब देखना ये है कि कितनी देर में पहुंचते हैं क्योंकि मेरी मौजूदगी वीवीआईपी गेट पर ही है और यहीं से उनका एंट्रेंस होगा। तो देखिए सभी बड़ी हस्तियां धीरे धीरे करके यहाँ पर आएंगे और समय होता जा रहा है, 8 बजे तक आना सभी शुरू हो जाएंगे क्योंकि 10:25 पर पीएम लैंड करेंगे। तीन तस्वीरें अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी और रामचरण यहाँ के लिए निकल चुके हैं। मोनिका का रुख करते हैं, मोनिका सुग्रीव किले वाले गेट पर क्या हालचाल है?
बिल्कुल सपना, मैं एक बार आपको तस्वीरों के साथ शुरुआत करती हूँ। ये देखिए, ये आपको सुग्रीव किले की मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी। हालांकि देखिए अनाउंसमेंट भी हो रही है, वो चाह रहे हैं कि मीडिया कर्मी यहाँ से चले जाएं, लेकिन रंगोली की सजावट, फूलों की सजावट, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आपका स्वागत करता है। देखिए अवधवासी तैयार है स्वागत के लिए, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है।